नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस। फुलबाड़ी से सटे जियागंज इलाके में 3 गाड़ियां टकराई, 2 घायल। सिलीगुड़ी के निकट फुलबाड़ी से सटे जियागंज इलाके में 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर फुलबाड़ी से सटे जियागंज इलाके में शुक्रवार को हुई। मालूम हो कि मछली से लदी एक लॉरी फुलबाड़ी से जलपाईगुड़ी की ओर जा रही थी। जैसे ही गाड़ी जियागंज से सटे इलाके में पहुंची, अचानक विपरीत दिशा से आ रही बस से बचने के प्रयास में लॉरी ने एक छोटी कार को टक्कर मार दी। इससे सामने एक और ट्रक खड़ा था। इस टक्कर में ट्रक का अगला हिस्सा पलट गया। घटना में लॉरी चालक घायल हो गया। दुर्घटना के परिणाम स्वरूप कुछ समय के लिए यातायात ठप हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को निकालकर फुलबाड़ी के एक निजी अस्पताल में भेजा गया। खबर पाकर फुलबाड़ी हाईवे ट्रैफिक आउटपोस्ट की न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की जांच की। कार का चालक ने कहा, मैं डॉक्टर को सिलीगुड़ी से जटिया काली के पास एक नर्सिंग होम ले जा रहा था। जब मैंने सड़क पर ट्रैफिक जाम देखा तो मैं खड़ा था, तभी मैंने पीछे से एक लॉरी आती देखी। लॉरी ने कार को एक तरफ से टक्कर मार दी और सामने दूसरी लॉरी से टकरा गई। हम बाल बाल बच गए, लेकिन घटना में लॉरी चालक और सहायक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हाथी सावक की मौत पर भड़के पशु प्रेमी। संगठन के सदस्य वनपाल को ज्ञापन सौंपकर डंपरों पर रोक लगाने की मांग। गजलडोबा क्षेत्र में डंपर की चपेट में आने से एक हाथी सावक की मौत हो गई। इस घटना के विरोध में सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी के विभिन्न वन्य जीव और पशु प्रेमी संगठनों ने विरोध जताते हुए वन क्षेत्रों में डंपरों के यातायात को बंद करने की मांग की। गुरुवार को डंपर की चपेट में आने से एक हाथी सावक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर वनकर्मी पहुंचे और हाथी को रेस्क्यू कर बंगाल सफारी ले गए। हाथी के बच्चे की कल रात मौत हो गई। इस घटना के विरोध में जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी के लगभग 10 वन्य जीव संगठनों ने अभयारण्य के भीतर मुख्य सड़कों पर डंपरों की आवाजाही के खिलाफ विरोध किया। उन्होंने शुक्रवार को सिलीगुड़ी के जावरा बीटा में उत्तर बंगाल के मुख्य वनपाल भास्कर जेवी को एक ज्ञापन सौंपा और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में वन्य जीव संरक्षण संस्था स्टेफ फाउंडेशन के निदेशक कौस्तुब चौधरी ने बताया कि गजलडोबा में डंपर की चपेट में आने से हाथी सावक की मौत हो गई। आज हम लोगों ने ज्ञापन सौंपे डंपरों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के लिए, कैमरे लगाने, स्प्रिट ब्रेकर का उपयोग करने और आवश्यकता पड़ने पर कोर फॉरेस्ट में डंपरों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। तृणमूल के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ को लेकर कुचबिहार में भारी तनाव। तृणमूल के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना को लेकर कुचबिहार में भारी तनाव देखा जा रहा है। तृणमूल नेताओं ने आरोप लगाया कि माथाभंगा 1 नंबर ब्लॉक के हाजराहाट 2 नंबर ग्राम पंचायत के कंदूर मोर इलाके में कुछ असामाजिक तत्वों ने कल रात तृणमूल के पार्टी कार्यालय पर हमला किया। इन लोगों ने पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ की। इस घटना को लेकर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने हाजराहाट से माथाभंगा तक राज्य राजमार्ग को अवरुद्ध कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। सड़क मरम्मत की मांग में ग्रामीणों ने किया पथ अवरोध। साहूडांगी आमबाड़ी राज्य पथ के हालात काफी दिनों से खराब है। प्रशासन को जानकारी देने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सड़क की बदहाल अवस्था से परेशान होकर स्थानीय लोगों ने तत्काल सड़क मरम्मत की मांग को लेकर गुरुवार को राजगंज ब्लॉक के आमबाड़ी क्षेत्र चौराहे पर सड़क जाम कर दी। खबर पाकर आमबाड़ी चौकी और भोरे रालो थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। एक घंटे की घेराबंदी के बाद बिन्नागुड़ी ग्राम पंचायत प्रधान समीजुद्दीन अहमद और भोरे रालो थाने के ओसी ने ग्रामीणों को समझाया, जिसके बाद पथ अवरोध समाप्त कर दी, घेराबंदी हटा ली। नीट और नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार को लेकर तृणमूल छात्र परिषद ने किया विरोध प्रदर्शन। नीट और नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए तृणमूल छात्र परिषद ने सिलीगुड़ी कॉलेज के सामने विरोध प्रदर्शन किया। तृणमूल छात्र परिषद के सदस्य शुक्रवार दोपहर सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 1 के सामने एकत्रित हुई और प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि हाल ही में नीट और नीट परीक्षा के पेपर लीक होने के पीछे पैसों का लेन देन हुआ है और इससे छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई करने की मांग तृणमूल छात्र परिषद की ओर से की गई है। छात्रों ने कहा उनका आंदोलन अलग अलग जगहों पर जारी रहेगा।
अलग अलग जगहों पर जारी रहेगा। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।